कपिल रोका का नेपाल में जन्म हुआ था। जब कपिल रोका के माँ ने सुइसाइड किया था, तब उनके पिता ने कपिल रोका और उनके बहन को घर से निकाल दिया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ वो स्पेन गॉट टैलेंट का वीडियो, जहाँ पे एक नेपाली बंदे ने पूरी तबाही मचा रखी है। ऐसा परफॉर्मेंस दिया है स्पेन गॉट टैलेंट में कि वहाँ के जजेस भी रोने लगे हैं, ऐसा मुझे पता चला है इस वीडियो के अंदर। चलिए इस वीडियो के अंदर हमें पूरी जानकारी मिलेगी उस नेपाली बॉय के बारे में, स्पेन गॉट टैलेंट के बारे में, और ऐसा उसने वहाँ पे क्या किया है जिससे कि वहाँ पे इतनी आग लग गई है, इतना तबाही मच गया है स्पेन में कि भाई साहब उसकी इतनी तारीफ हो रही है हर जगह। वीडियो मुझे देखने को मिले तो मैंने क्यों ना सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर किया जाए। तो चलिए मैं आपको सीधे वीडियो की तरफ लेकर चलता हूँ। हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा फेसबुक फॉलो कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए सीधे आपको लेकर चलता हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यूट्यूब पे, अब यहाँ पे चल के हम सर्च करेंगे नेपाली बॉय इन स्पेन गॉट टैलेंट। ओके, तो देखिए ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें मिलियंस में हैं व्यूज़, यस्तो दुख और नेपाली। हाँ देखो ये वीडियो हम देखेंगे NI न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है नेपाली ने किया स्पेन में धमाल, रोने लगे लोग, नेपाली कपिल रोका इन स्पेन गॉट टैलेंट मेक्स जज क्राई। तो उस बंदे का नाम है कपिल रोका, जिसने कि स्पेन गॉट टैलेंट में तबाही मचा रखी है। आप थंबनेल देखिए, नेपाली ने किया स्पेन में धमाल, नेपाली बॉय इन स्पेन, रोने लगे लोग। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या परफॉर्मेंस दिया है जिससे कि लोग वहाँ पर रोने लग गए हैं, ऐसा क्या तबाही मचा दी। और इस बंदे के बारे में थोड़ी स्टोरी सुनने को मिलती है कि इसके पेरेंट्स ने इसको छोड़ दिया था बाहर और ये अपने दम पे बन के निकला है और स्पेन गॉट टैलेंट में आया है। बाकी पूरी स्टोरी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और हाँ वीडियो स्टार्ट करते हुए मैं लगा लेता हूँ ईयरफोन जिससे कि मुझे हर एक चीज़ की अच्छे से सुनाई दे। ओके दोस्तों, तो चलिए ईयरफोन लगा लिया है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, NI न्यूज़ पर आपका स्वागत है। नेपाल पाल का नाम रोशन किया है, उन्होंने जजेस को इम्प्रेस किया। इस खबर को लेकर नेपाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया, तब से ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। कपिल रोका के बातों से जजेस और ऑडियंस के आंखें भर आई। आपको पूरी बात बता दो जो आपके भी आंखें नम हो जाएगी। कपिल रोका का नेपाल में जन्म हुआ था। जब कपिल रोका के माँ ने सुइसाइड किया था, तब उनके पिता ने कपिल रोका और उनके बहन को घर से निकाल दिया था, घर से निकाल कर सड़क पर छोड़ दिया था। उसके बाद कपिल और कपिल का बहन मिलकर सड़कों पर भीख मांगते थे। कपिल रोका का छोटे से ही सर पे जलने का निशान था, इसलिए जब कपिल रोका अनाथ आश्रम में रहने लगा था, सर पे जला हुआ निशान की वजह से उनको कोई एडॉप्ट नहीं कर रहा था। जो भी एडॉप्ट करने आते थे बोलते थे सर पे दाग होने की वजह से वो कपिल को एडॉप्ट नहीं करना चाहता। इस बात से कपिल रोका को बहुत दुख होता था, लेकिन कपिल रोका को एक स्पेनिश औरत ने अडॉप्ट किया। स्पेन की इस दयालु औरत ने कपिल को पालपोस कर बड़ा किया। इस दयालु स्पेनिश औरत ने कपिल को सिर्फ बड़ा ही नहीं किया, अपने हुनर को पहचानने का भी मौका दिया, जिसकी वजह से कपिल रोका स्पेन गॉट टैलेंट शो पर सिलेक्ट हो गया है। ये नेपाल के लिए गर्व की बात है। स्पेन में रहने से भी कपिल रोका ने नेपाल को फूला नहीं है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि कपिल रोका ने अपने आप को नेपाल से कहा। कपिल रोका की कहानी ने मुझे
मुझे इमोशनल कर दिया। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कपिल रोका स्पेन गॉट टैलेंट जीत कर आए, और आप कपिल रोका को स्पेन गॉट टैलेंट यूट्यूब चैनल पर जाकर सीधा देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, स्पेन गॉट टैलेंट के यूट्यूब चैनल पे अभी जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वहाँ पे भी कपिल रोका की वीडियोस हमें देखने को मिल रही थी, मिलियंस में व्यूज थे इनके। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ऐसा क्या किया है इन्होंने स्पेन गॉट टैलेंट में जो कि इनकी इतनी वाहवाही हो रही है। मनीषा कोइराला जो कि नेपाल की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, नेपाल की नहीं बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत सारी मूवीज उनकी सुपर हिट रही हैं, उन्होंने कपिल रोका को लेकर के ट्वीट किया था कि इन्होंने स्पेन गॉट टैलेंट में जाके इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। ये पियानिस्ट हैं, जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने पियानो बजाया था, वीडियो में दिखा रहे थे, तो वो बात तो है। लेकिन जो इनकी स्टोरी है, इनकी स्टोरी बहुत ही सैड स्टोरी है, एकदम दिल पे छूती है कि मतलब जब ये छोटे थे तो इनकी मदर ने सुसाइड कर लिया था और इनके फादर ने कपिल रोका और इनकी सिस्टर को घर से बाहर निकाल दिया था। तो उसके बाद ये लोग एक अनाथ आश्रम में रहते थे। अनाथ आश्रम में लोग आते हैं अडॉप्ट करने के लिए बच्चों को, जिनके पास जो बहुत ही मतलब केयरिंग होते हैं वो लोग अडॉप्ट करते हैं छोटे बच्चों को। लेकिन कपिल रोका को अडॉप्ट नहीं कर रहा था कोई। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उनके सर पे जलने का निशान था, उस वजह से इनको कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा था। वो चीज़ इनको बहुत बुरी लगती थी, बहुत इनको फील होता था, छोटा सा बच्चा है, सर पे जलने का निशान है, उसको क्या पता, उसको तो यही लगेगा ना कि हाँ मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, इस दुनिया में मुझे चाहने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक स्पेन की महिला आई जिनका दिल बहुत 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 ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं ऐसी मदर को, ऐसे लोगों को जो कि ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उनकी इतनी देखभाल करती हैं, केयर करती हैं। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने कपिल रोका जैसे बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है, और कपिल रोका जी की मदर को भी मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इनको इतना ज़्यादा सराहा है कि आज वो स्पेन गॉट टैलेंट में आ चुके हैं, और अपने टैलेंट की वजह से उन्होंने इस पूरी दुनिया में अपना एक नाम हासिल कर लिया है। बहुत ही गर्व की बात है नेपाल के लिए भी, कपिल रोका के लिए भी, और कपिल रोका की मदर के लिए भी। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया होगा इन्होंने। मैं अभी इनकी परफॉर्मेंस वाली वीडियो भी देखूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे रिलेटेड आपके पास और कोई न्यूज़ है, और कोई वीडियो है आपके पास, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मुझे इंस्टा फेसबुक पर मैसेज करिए, मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम कपिल रोका को वोट करना है, इनकी जीतने के लिए प्रेयर करनी है। बिल्कुल स्पेन गॉट टैलेंट में इन्होंने अपनी पहचान बना ली है, और आगे चल के भी ये स्पेन गॉट टैलेंट में ही नहीं बल्कि जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सब में ये अपना नाम हासिल करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह के धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए।